आज की स्टूडियो में आपका स्वागत दोस्तों। आज की स्टूडियो में हम दबंग दिल्ली से मिलता है जो मैच हुआ उसकी हाईलाइट जाने वाले। टॉस जीती दबंग दिल्ली ने जो स्कोर किया, पहली रेड आती नरेंद्र कंडोला की जो कि एक एम्प्टी रेड होती है। उसके बाद दोस्तों पहली रेड आती है दिल्ली की तरफ से नवीन कुमार गोट की जो कि अपनी पहली रेड में फोर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद ये मैच बिल्कुल लो स्कोरिंग रहता, शुरुआत में दोनों टीम एम्प्टी रेड लगा रही थी। उस बीच अजिंक्य पवार अपना फर्स्ट रेड लेकर जाते हैं अपनी पहली रेड पर। 5 मिनट बीतती इस मैच की तो स्कोर होता दोस्तों तमिल तलाई वाज 2-3 दबंग दिल्ली। इससे ही पता लगता कि इतना लो स्कोरिंग मैच था, दोनों टीम डोर डाई रेड पर खेल रही थी। इस बीच नवीन कुमार गोयट फॉर्म में आ जाते हैं और पॉइंट लेना शुरू कर देते हैं। 10 मिनट बाकी रहती है पहले आपकी तो स्कोर होता तमिल तलाई वाज 6 दबंग दिल्ली। बिल्कुल टक्कर का मुकाबला चला हुआ था, लो स्कोरिंग मैच था। उसके बाद दोस्तों अजिंक्य पवार पॉइंट लेना शुरू कर देते, फॉर्म में आ जाते हैं, पूरे मैच तक फॉर्म में नहीं रुकते। नरेंद्र कंडोला इस बीच 2 पॉइंट लेकर जाते हैं, पहले पॉइंट है नरेंद्र कंडोला की इस मैच में, वो 2 पॉइंट से शुरुआत कर देते हैं। 5 मिनट बाकी रहती है पहले आपकी तो स्कोर होता है तमिल तलाई वाज 12-9 दबंग दिल्ली। उसके बाद दोस्तों ऑल आउट हो जाती है दबंग दिल्ली की टीम। 3 मिनट बचती हैं जब पहले आपकी, तब ऑल आउट हो जाती है दबंग दिल्ली की टीम और उससे अगली रेड पर सुपर रेड लगा देते हैं नवीन कुमार गोयट। 3 पॉइंट लेकर आते हैं। हाफ टाइम का स्कोर बताए तो तमिल तलाई वाज 18-14 दबंग दिल्ली। सेकंड हाफ की बात करें दोस्तों, पहली रेड नवीन कुमार गोयट लगाते जो कि एम्प्टी रेड थी और तमिल तलाई वाज की तरफ से अजिंक्य पवार लगाते हैं पहली रेड जो कि पहला हाई पॉइंट लेकर चले जाते हैं। उसके बीच तमिल तलाई वाज के 2 प्लेयर सेल्फ आउट हो जाते हैं और अगली ही रेड उसके बाद आखिरी खिलाड़ी बचते हैं जिनके पर सुपर रेड लगा देते हैं। 3 पॉइंट लेकर जाते हैं, 2 टेस्ट पॉइंट और 1 बोनस, जिसकी वजह से सुपर 10 पूरा हो जाता है अजिंक्य पवार का। 15 मिनट बाकी रहती हैं दूसरे हाफ की तो स्कोर होता था तमिल तलाई वाज 18 दबंग दिल्ली। लीड हो चुकी थी दबंग दिल्ली के अपोजिशन में। अजिंक्य पवार उससे अगली रेड में 2 पॉइंट लेकर चले जाते हैं। इस बीच आंसू दबंग दिल्ली के लिए लगातार पॉइंट लेना शुरू कर देते लेकिन अजिंक्य पवार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अजिंक्य पवार लगातार पॉइंट ले रहे थे। 10 मिनट बाकी रहती है दूसरे हाफ की तो स्कोर होता दबंग दिल्ली 19-29 तमिल तलाई वाज 10 पॉइंट की लीड है। उसके बाद ऑल आउट हो जाती है दबंग दिल्ली की टीम, नवीन कुमार गोयट पॉइंट लेना शुरू कर देते हैं उसके बाद और नरेंद्र कंडोला भी फॉर्म में आ जाते हैं आखिरी समय में आकर। इस बीच सुपर रेड लगा देते हैं नरेंद्र कंडोला और अगली रेड पर नवीन कुमार गोयट 2 पॉइंट लेकर चले जाते हैं। 5 मिनट बाकी होती है तो स्कोर होता है दिल्ली 24-37 तमिल तलाई वाज। उसके बाद नवीन का भी सुपर 10 पूरा हो जाता है और फाइनल स्कोर होता है इस मैच का दबंग दिल्ली 31-42 तमिल तलाई वाज। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।